दूसरा दिन हुआ समाप्त और ये चल रहा है जो टेस्ट मैच पर्थ के मैदान में है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दूसरा दिन पहला टेस्ट मैच का हुआ समाप्त, जहां ऑस्ट्रेलिया 487 में जाके बंडल हुआ, जहां पर बॉलर ने 164 रन बनाया था, 41 ख्वाजा के भी थे, 40 रन हेड ने बनाया, 90 रन मिचेल मार्श भी वहां तक पहुंचे, एलेक्स कैरी 34 बनाया, मिचेल स्टार्क ने 12, कमिंस के 9 मिला जुला कर पहुँच गए वहाँ तक, और 6 विकेट आमिर ज़मैल ने चटकाई, 2 विकेट शहजाद के खाते में था, 1 शाहीन अफरीदी और 1 भी नहीं चटका भाई सलीम, और पाकिस्तान की जब आई बल्लेबाजी तो शाफकी ने 42 बनाया और इमाल उल हक ने 38 रन बनाए में काबिल रहे और अभी भी नाबाद हैं। महमूद कप्तान 30 रन बनाकर वो आउट हुए और शर्मान शाहिदी ने 7 रन बनाया। आने वाले बल्लेबाज के अंदर में बाबर आजम, सरफराज अहमद, शकील है अभी अभी आने बाकी, तो ये अभी एक गुड साइन यहाँ पर नज़र आएगा। भाई 355 रन से अभी पीछे है, अभी बहुत सारे काम करना बाकी है और पाकिस्तान के तरफ के अंदर 2 विकेट वो गवा चुके हैं, तो ये भी उनको ध्यान रखने वाली बात है। तो यही हमें तीसरे दिन में कैसा खेल दिखाया जाएगा ये देखने लायक की बात है। अभी आप देख रहे हैं क्रिकेट बता रहे हैं, अगर आपको लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।